बठिंडा में गरजेंगे अरविंद केजरीवाल व सीएम मान, 1125 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को शियत नेता सुखबीर बादल और भाजपा नेता मनप्रीत बादल के गढ़ बठिंडा के मोड़ मंडी में गरजे। इस दौरान वे यहां पर 1125 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें वे नए बस स्टैंड से लेकर ऑडिटोरियम का नींव पत्थर रखेंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने शनिवार को चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रैली संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये प्रोग्राम विकास क्रांति रैली के बैनर तले होगा। इस दौरान बठिंडा में नए बस स्टैंड, मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम और एक 50 बेड वाले अस्पताल का नींव पत्थर रखा जाएगा। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि बठिंडा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सड़क संबंधी कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। पंजाब के ग्रामीण इलाकों को सीवरेज सिस्टम से लैस करना, पीने का पानी, मल्टीपर्पज हॉल और अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराना मान सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार पूरी लगन से काम कर रही है और हर जिले के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोगों को समर्पित कर रही है। कंग ने कहा कि पंजाब के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, उसे पूरा करने के लिए मान सरकार लगातार काम कर रही है। बठिंडा में आपकी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी रैली है, ऐसे में इसे कामयाब बनाने के लिए पार्टी के तमाम नेता जुटे हैं। वहीं रविवार को कांग्रेस की तरफ से रामराय फूल में रैली आयोजित की जा रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल 19 दिसंबर को मोड़ इलाके में रैली आयोजित करेगा। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।